Ladies and gentlemen, welcome back to the channel, guys. But welcome to the very first vlog from the new home. अभी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या actually काफी खराब है अभी भी. तो मैं अभी दवाई खा रहा हूँ उसके लिए. मैं कल और दवाई लेके आ गया क्योंकि हमें ऑफ द काउंटर मिल जाती है. अगर आप लोग if you guys are wondering, तो यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाती है जनरल मेडिसिन, जैसे कोल्ड फ्लू कफ या फिर फीवर, ये सब चीजें मिल जाती है आराम से. लेकिन उसके अलावा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा. इवन आपको अगर ब्लड टेस्ट कराना है उसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा. उसके लिए पहले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस. सुबह का जो प्रोग्राम है वो यही है कि खाने पीने का चल रहा है. सुबह से फिर से मेरे को खांसी स्टार्ट हो गई. मैं जो लेके आ गया दो तीन दवाइयां और जो कि बता रहा था. तो इसको बोलते हैं डे टाइम, मतलब कॉल डे क्विल एंड नाइट क्विल. नाइट क्विल पियो और उसको इतनी बढ़िया नींद आती है, पता नहीं क्या मिलाते हैं लोग. और उसके अलावा है डे क्विल जो कि नॉन ड्राउजी है. तो अभी मैंने डे क्विल लिया, सो होपफुली इट विल बी फाइन. तभी भी पूछ रहे कि भाई कोविड का रिजल्ट कैसा रहा. भाई पिछला व्लॉग नहीं देखा क्या? अगर नहीं देखा तो देख लो. एक्चुअली पिछले व्लॉग में मैंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई कोविड का रिजल्ट आ चुका है और वो नेगेटिव है. देयर इज नो कोविड. हमने पहली बार यहाँ का डिशवॉशर भी लगाया. पीछे जो है आपको शोर आ रहा होगा, वो डिशवॉशर का है. डिशवॉशर की भी टेस्टिंग हो गई है. उसकी टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है एक स्टेटमेंट होता है, मतलब एक फॉर्म होता है. 7 पन्ने का फॉर्म दिया भाई ने मेरे को. उसमें लिखा है देयर इज कॉल्ड अपार्टमेंट कंडीशन स्टेटमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे अपार्टमेंट सब चीजें चेक कर लो. अगर आपको कोई भी चीज खराब लग रही है तो अभी बता दो और वो लोग जो है सही करके देंगे आपको. तो जो है उसका पार्ट ऑफ इट इज ऑब्वियसली टू सी कि अगर आपका डिशवॉशर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. तक सामान सेट करने की बात है. हमने थोड़ा बहुत सामान सेट कर दिया. आप देख सकते हैं हॉल जो है ऑलमोस्ट जो है सेट हो चुका है. हमने सोफा और यहाँ पे जो पड़े हुए थे 1000 डब्बे, वो सारे जो है ठिकाने लगा दिए. व्हाट द हॉल लुक्स लाइक राइट नाउ, अभी भी जो थोड़े बहुत डब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पर और ये पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, बट इन सबको फिर भी सेट करना है. और थोड़ी बहुत चीजें जो चेंज करनी है वहाँ पे, थोड़ी सी पेंटिंग्स नहीं है क्योंकि पेंटिंग्स अभी भी कहीं लगी नहीं है. पेंटिंग्स वहाँ पे पड़ी कोने में पड़ी है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर और थोड़ी सी वहाँ नीचे. विल गेट देयर, वी विल गेट टू एवरीथिंग दिस वीक. बाकी जहाँ तक बेडरूम की बात है वो तो मैं दिखा नहीं सकता. यहाँ पे इतना ज्यादा कबाड़ा और डब्बे पड़े हुए हैं कि इसका ठिकाना नहीं है. तो ये टोटली अनसेटल्ड है अभी. आज का जो दूसरा सबसे बड़ा काम है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप द अपार्टमेंट, वो है लॉन्ड्री करना. लॉन्ड्री जो करना बहुत जरूरी हो गया. सालों साल से कपड़े जो है गंदे पड़े हैं, तो आज इसकी लॉन्ड्री भी टेस्ट हो जाएगी बिल्डिंग की. सिस्टम थोड़ा सा अलग है. तो यहाँ पे पहले वाले आपने देखा होगा वहाँ पे क्वार्टर चलते थे, लेकिन यहाँ क्वार्टर से चलते हैं कार्ड. ये नया ड्रामा हो गया. यहाँ पे सिर्फ कैश लेता है, कैश इफेक्टिको. पूरा वापस जाना पड़ेगा. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कैश ही चलता है. सीन कुछ ऐसा कि पहले आप एक कार्ड बनवाओ जो कि इनका अपना कार्ड है, और वो कार्ड आप सिर्फ कैश से बनवा सकते हो. उसको लोड भी सिर्फ कैश से कर सकते हो. और कैश लेके ऑब्वियसली हम आए नहीं है, तो वापस जाना पड़ेगा. ऊपर अब हम जा ही रहे हैं तो एक पैकेज भी उठा लेते हैं. हमारा पैकेज आया हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ पर. ये नोट चाहिए हमें $5 का. इतने स्पेसिफिक है वो लोग. उन्होंने बोला भाई अगर तेरे को कार्ड निकालना है बात, तो $5 का ही नोट देना पड़ेगा. अगर $5 का नोट नहीं तो क्या होता है, इक्का लगाने पड़ते हैं बैठ के. एनीवे हमारे पास सिर्फ एक $5 का नोट है. लकी तो बोलिए, अब इसको लोड भी करना पड़ेगा. सो लेट्स डू इट हियर. लॉन्ड्री करना आज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो गया भाई साहब. फाइनली कार्ड तो मिल गया, थोड़ा सा रिलोड भी कर लिया इसका हमने. इसमें $20 डाल दिया, तो करीब 20. और उसमें जो मैंने $5 डाले थे, $3 इसमें ऑलरेडी वैल्यू थी, तो $2 कॉस्ट है सिर्फ कार्ड की. तो पहले से थे मैंने 10-20 और 20 डाल दिए, तो $23 वी हैव हियर. अब इसको भी ठूस ले जाए इन वन ऑफ दीज. बाइक निकाल दी पुरानी वाली जगह पे. हमारी अच्छी खासी बाइक लगी हुई थी अंदर, क्योंकि वहाँ पे थी बहुत ज्यादा जगह हॉल में. लेकिन अब हमारे हॉल में उतनी जगह रहा नहीं. और भी छोटा सा हॉल है और उसके ऊपर से वहाँ पे कारपेट भी है, तो बाइक को अंदर ही ला सकते हैं. ये मानना है मेरा, बाइक को मैं लाऊंगा अंदर जब ठंडा स्टार्ट हो जाएगी, बर्फ और पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं अंदर ही लाकर रखूंगा परमानेंट को स्टोरेज में. बट अभी तो बाहर रखनी पड़ेगी. साइकिल को हमने यहाँ ठूसा है पीछे. इतनी सारी साइकिलें लगी है भाई साहब की जगह ही नहीं है दूर दूर तक. पूरे के पूरे रैक में जगह भी नहीं, तो मैंने पूरा उस पार्ट जो है फेंक दिया. एनीवे आज जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो हम जा रहे हैं अपने जिम. थोड़ा सा करेंगे वर्कआउट और जिम होने वाली है बंद. ऑलरेडी बजने वाला है 3 और 4 बजे जाती जिम बंद. और यहाँ से जिम दूर भी है, यहाँ से दूर है जिम है अराउंड यहाँ से 2 माइल. और 2 माइल जाना 2 माइल आना अराउंड 4 माइल की जो है बाइकिंग है, विच इज ऑल्सो गुड वर्कआउट. थोड़ा सा ऊंचे नीचा भी है, पहाड़ी एरिया है, मतलब ये वाली जगह थोड़ी सी हिल पे है, उस साइड जो है डाउन हिल है जहाँ पे की जिम है. सो इट्स फन एंड अ गुड वर्कआउट. ले देके थोड़ा सा कार्डियो भी जाता है, वेट ट्रेनिंग तो करने हम चाह रहे हैं. जो ये वाली साइड है जहाँ से ऑब्वियसली ढलान है, बहुत आसान है जाना, इजीली जाती है बाइक. और कई जगह पे तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता. लेकिन भाई साहब दूसरी साइड से जो पत्ते बेचते हैं, और पत्ते बेचने से याद आया कि मैं चश्मा लाना तो भूल ही गया. वर्कआउट की शुरुआत की है मास्क पहन के इस बार, ताकि जो है थोड़ी बहुत जो खांसी किसी और को ना हो जाए. कर रहे हैं मिक्स वर्कआउट. कल हमने मारा था, कल भी आया था मैं जिम. एक्चुअली कल मैंने किया था थोड़ा सा चेस्ट एंड बैक, और आज मैं मार रहा हूँ आर्म्स के साथ में शोल्डर. मेरी बाइक के बिल्कुल बराबर में जो है ये वाली बाइक लगी है, और ये इसका नया मॉडल है मेरी सेम बाइक का. दिस इज ट्रैक FX2 और ये है ट्रैक FX1 आई थिंक. लुक एट दिस, ट्रैक FX1, ये है FX.
शाम का खूबसूरत टाइम और अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि खाने की बहुत किल्लत होगी हमारे घर में। मेरे पास भी नहीं है ब्रेड बटर और दूध के अलावा, और ऑल यूजलेस एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने खा खा के बोर हो चुका हूं। अभी तक मैं या तो वही खा रहा था या फिर मैं जो बाहर से खाना ऑर्डर करता था, बेसिकली बाहर से खाना ऑर्डर करता था। बट इट्स वेरी हाई टाइम कि हम जो है कुछ सामान लेके आ जाएं और जो है उसको हम करना भी स्टार्ट कर दें। भिंडी माय फेवरेट, भिंडी 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 भिंडी। छोटा मोटा छोटा मोटा सामान ले लिया गया इंडियन स्टोर से, और हमने जो मेजोरिटी में चीजें ली हैं वो है मसाले काफी सारा। जीज दैट्स व्हाट वी हैव बॉट फ्रॉम हियर। जो नहीं मिली यहाँ पे वो वाज अ बिग बमर, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं मिली। चिकन मुझे काइंड ऑफ समझ में आगे क्यों नहीं मिली, जो कि मुझे नहीं मिली चिकन। रियलाइज कि पटेल ब्रदर्स में शायद चिकन नहीं मिलता, क्योंकि गुज्जू क्योंकि ये गुज्जू स्टोर है शायद इसलिए। ऑल दैट काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस, क्योंकि जो है वहाँ पर फ्रोजन फिश रखी हुई थी। ओके, आज के इस खूबसूरत दिन में जो है स्टोर नंबर 2 जो कि है हमारे पीछे, वो है टारगेट, और टारगेट वाटर डाउन है। गेट में आया भी, और आने का रीजन ये है कि भाई साहब तो सबसे बढ़िया जो कांड हुआ वो ये कि हमें चिकन नहीं मिला, तो हमें चिकन लेने यहाँ पे आने पड़ेगा। और उसके साथ में मुझे थोड़ी बहुत चीज़ चाहिए घर के लिए, लाइक अभी भी घर के लिए चॉपिंग बोर्ड नहीं है मेरे पास, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि टारगेट में मिल सकती है। ये चीज़ अच्छी है टारगेट के साथ में, वहाँ पे ऐसा मिक्स एंड मैच रहता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको घर का सामान भी मिल जाएगा और फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स मतलब ग्रॉसरीज भी मिल जाएंगी। वाले टारगेट में पहली बार आया था इस लोकेशन पे, दिमाग खराब हो गया भाई साहब, चलते चलते काम की चीज नहीं मिलके दे रही है। फाइनली वी हैव मेड इट टू होम, ग्रोसरीज आ गई हैं यहाँ पे, यूं ही पूरी जगह जगह ग्रोसरीज, अभी सब कुछ ठूसना है इसके अंदर भी और जगह जगह यहाँ पे। खराब हो गया आज दो ग्रोसरी स्टोर में जाके, पहले इंडियन स्टोर और उसके बाद फिर टारगेट। लेडीज जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज है दूसरा दिन, और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मैं दो दिन का एक व्लॉग डालता हूँ, सो इट्स ऑल स्टिल डेली व्लॉगिंग, लेकिन यह है कि व्लॉग आपको डेली नहीं मिलता है। बट एनीवे, गुड मॉर्निंग, और आज हम दिन की शुरुआत करें ग्रीन टी से। शुरुआत नहीं, एक्चुअली ऑलरेडी मैं चाय पी चुका हूँ और दो तीन चीज़ें भी, बट एनीवे ये जो ग्रीन टी या फिर और ये डीकैफिनेटेड ग्रीन टी है, उसको पीने का रीजन ये है कि भाई साहब गले की अभी भी जो है लगी हुई है, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं गले को सही करने। आज का सबसे बड़ा काम है हमारे पास, जो सबसे बड़ा टास्क है हमारे पास, वो है हमें करना है अपना बेड सेटअप, क्योंकि वो भाई साहब बहुत दिन हो गए जमीन पर सोते हुए। दूसरी रीजन ये भी है कि अब जो वीक डे फिर से स्टार्ट हो जाएगा कल से, कल मंडे, और उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा। बट दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दिस रिव्यू, आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि इसके पहले जो अपार्टमेंट था आपने देखा होगा, वो अपार्टमेंट भी अच्छा था, लेकिन वहां से मुझे दिख रही थी बस एक दीवार। उस दीवार के कंपैरिजन में तो ये जो हमने काट पीट के एक तरफ रख दिया है, दिस इज इट। बेसिकली ये हेडबोर्ड है बेड का, और हेडबोर्ड के अंदर उन्होंने सारा सामान टूचा, इसके पीछे एक चेन होगी, इस चेन को खोलेंगे, अंदर से निकलेगा सामान, इससे पूरा बेड सेटअप होगा, मतलब उसका बेस और साइड्स। और इंडिया में प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड नहीं होता, इसमें स्ट्रैप्स होते हैं लकड़ी के। आई विल शो यू गाइस। ये है इसकी पूरी कहानी, ये आपको जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज फ्रॉम स्टेप 1 एंड इट गोज ऑल द वे टू स्टेप 15। एंड में जो जाके बेड ऐसा दिखेगा, और ये सब जोड़ जाना है, और इसके लिए साथ में दिया उन्होंने ये पेच, और उसके साथ में आ गया है ये टूल। दिस इज द ओनली टूल यू विल नीड, क्योंकि इनके सारे के सारे जो ग्रूव है टॉप पे, वो सारे के सारे इसमें फिट हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ वी गोना डू दिस। दिस इज आवर प्रोग्रेस आफ्टर स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 आवर, और बस यहीं तक पहुंची हमारी गाड़ी। अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्केलेटन तैयार किया गया है इसका, इसके बाद में जो है पीछे जो हेडबोर्ड है उसको रिवर्स करना है और फिर इसमें कनेक्ट करना, और ये शुड बी फेयरली इजी नाउ। तो हमने उल्टा सीधा लगा दिया, लेकिन उसके बाद में जो बवाल फैल गया है वो ये भाई साहब ये, और फिर उसके ऊपर से वहां पे डब्बे, और उसके ऊपर से वहां पे डब्बे, और पता नहीं कितना कूड़ा कचरा, पर ये सब डालेंगे रिसाइकल में। जितना भी गत्ते का सामान है, जितना भी कार्डबोर्ड, इट हैज टू गो इनटू रिसाइकल। कार्डबोर्ड का ठिकाने लगा दिया गया भाई साहब, पूरा बिल्डिंग से नीचे निकल के लिफ्ट से पूरा नीचे आके, और पूरी बिल्डिंग उस पार से इस पार, क्योंकि मेरा जो टावर है वो इस साइड है, इस वाले टावर के पार करके यहाँ पार्किंग के पास के यहाँ पर है रिसाइकलिंग का, यहाँ पे लगे डालना पड़ता है। ट्रैश तो आप डाल सकते हैं अपनी फ्लोर पे, हर जगह पे ट्रैश शूट बने हुए हैं, इधर नीचे जाते हैं, बट देयर इज नथिंग फॉर रिसाइकलिंग, सब जाना तो उस साइड है। ये इस बिल्डिंग की बेसिकली पार्किंग, जो खुली पार्किंग है, आपको स्लॉट असाइन नहीं होता, बस लाओ और कहीं भी पार्क कर देंगे पार्किंग भी, और इस साइड है रिसाइकलिंग। टूल किट वहाँ पे पूरा का पूरा टूल बॉक्स, बल्कि टूल बैग है वहाँ पे, और उस बैग के अंदर बहुत सारी चीजें, ड्रिल मशीन ये वो, और बहुत सारे पेच और स्टफ, बट वो सारा चीज लेके आना है, क्योंकि जो कुछ चीजें ऐसी हैं इस घर में जो कि मुझे लगानी है वॉल्स पे, यहाँ पे यहाँ पे, उसके लिए टूल्स की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे रह गई है, वो है मिरर, मिरर बिठा रहा है।
जस्ट बिकॉज वी आर हियर, तो व्हाई नॉट थोड़ा सा जो है खाना भी डाल दिया जाए एंड सामान चढ़ा दिया गाड़ी में। और जब मैं घर पे गया था तो मैंने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान भी उसमें भर लिया, तो अपार्ट फ्रॉम टूल बॉक्स थोड़ा बहुत और भी भर लिया, क्योंकि मैंने आया तो एक चक्कर लगाया तो उसका पूरा यूज करना ही। उसके बाद हम आगे वापस सीवीएस फार्मेसी, ऐसा लग रहा है कि सीवीएस फार्मेसी आना कम हो गया बट लेकिन आज मैं आया थोड़ा सा फर्स्ट एड का सामान लाने। जब मैं आज बेड लगा रहा था तब थोड़ा सा कांड हो गया था, तो ऐसे कांड होते रहते हैं और उसके लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे थोड़े से बैंडेड और ये सब चीजें होनी चाहिए। गाइज आज के दिन की हमने आज दिन को संडे के दिन को हमने खत्म किया वर्कआउट करके, थोड़ा थोड़ी सी रनिंग की है, रनिंग लिटिल बिट, बट आज का वर्कआउट हो गया। आज जो है जिम में जा नहीं पाई, कोई दिन भर जो है काम में लपटा हुआ था, बट एनीवे कल जाएंगे हम सुबह जिम और कल सुबह में आपको मिलेंगे व्लॉग में अगले। कल तक जो है नमस्कार एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, डोंट फॉरगेट टू लीव अ थम्स अप एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू हैवंट डन दैट येट, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। दिस इज माय किंग डाउन लाइव फ्रॉम बोस्टन, ओवर एंड आउट। ओह दिस यू क्रेजी मदर।